हिंदू अभिनेत्री पूनम पांडे ने बॉयफ्रेंड सैम हेमंत संग की सगाई। हिंदू अभिनेत्री, ब्राह्मण अभिनेत्री, लव जेहाद, हम पूरा मामला आपको बताते हैं क्या है। वन इंडिया हिंदू पुस्त पर छपी खबर के अनुसार नम पांडे के साथ सगाई की जानकारी खुद उनके बॉयफ्रेंड सैम बॉम्बे ने ही दी है। उन्होंने पूनम के साथ अपनी सगाई की तस्वीरें शेयर की है। आपको बता दें कि पूनम पांडे हमेशा ही अपनी बोल्ड तस्वीरें और वीडियो के कारण चर्चा में बनी रहती है। पूनम पांडे के साथ सगाई की कुछ तस्वीरें सैम ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की है, जिसमें दोनों की सेल्फी वाली तस्वीरें दिख रही है। दोनों ही हाथों में सगाई की अंगूठियां पहने हुए दिखाई दे रहे हैं। सैम ने तस्वीरों को शेयर करते हुए इसके कैप्शन में लिखा है कि आखिरकार हमने ये कर लिया है। सैम और पूनम पांडे की सगाई की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जो उनके फैंस को काफी पसंद आ रही है। दोनों को सगाई के लिए खूब बधाई मिल रही है। पूनम पांडे और सैम बॉम्बे शादी कब करेंगे, इस बारे में अभी दोनों ने खुलासा नहीं किया। आपको बता दें कि सैम अक्सर अपने सोशल मीडिया पर पूनम की तस्वीरें शेयर करते रहते हैं। यदि पूनम पांडे के कैरियर की बात करें तो उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत साल 2013 में आई फिल्म नशा से की थी। इसके बाद वह तेलुगु फिल्म मालिनी एंड कंपनी में दिखाई थी। फिर वह आ गया हीरो और द जर्नी ऑफ कर्मा फिल्म में नजर आई थी। अभिनेत्री पूनम पांडे की कुछ तस्वीरें वर्ल्ड कप के दौरान भी वायरल हुई थी। जब वर्ल्ड कप चल रहा था तो पूनम पांडे ने अपनी नग्न तस्वीरें वायरल की थी और भारत के जो क्रिकेटर है उनके सम्मान में वह तस्वीरें प्रस्तुत की थी। पूनम पांडे का कहना था कि यदि इंडिया टीम जीत जाती है तो वह अपना नग्न तस्वीरें व अपना सब कुछ इंडियन टीम के हवाले कर देंगी। ऐसा सब कुछ पूनम पांडे की तरफ से वायरल हुआ था। यदि हम आपको बता दें कि पूनम पांडे जो एक ब्राह्मण समाज से है और ब्राह्मण समाज का वह मान सम्मान बढ़ा रही है, जो लव जेहाद करके ब्राह्मण समाज जो अक्सर मुस्लिम के खिलाफ रहता है और अपने आप में शरण कहलाता है, वह मुस्लिमों के खिलाफ आग बबूला होता है। और आज उसी समाज की बेटी पूनम पांडे ने ऐसा कर दिखाया जो कि एक हिंदू धर्म की बेइज्जती के लायक है। यदि हम आपको बता दें कि ऐसी घटनाएं पहली नहीं है, ऐसा बीजेपी के बहुत से मंत्री एमएलए एमपी की बेटियां कर चुकी है, जो अक्सर सोशल मीडिया पर छाई रहती है। सोशल मीडिया पर बार बार ऐसा दिखाया जाता है कि बीजेपी के वे आरएसएस के कितने नेता अपने बेटियों को मुस्लिमों के हवाले कर चुके हैं, मुस्लिमों से अपनी बेटियों की शादियां करा चुके हैं और उसके बावजूद भी हिंदू व मुस्लिम की राजनीति करते हैं। यह एक काफी शर्मनाक बात है जिस पर हम काफी आलोचना करते हैं। और एक पूनम पांडे जैसी इंडियन अभिनेत्री जो अपनी अश्लील तस्वीरें वायरल करती रही, उसने आज लव जिहाद के नाम पर मुस्लिम धर्म के एक शख्स से शादी करने का फैसला लिया। यह एक भारतीय एकता की मिसाल है। यदि हम कहे तो ऐसा होना बहुत अच्छा है, लेकिन हिंदू धर्म में इसको जुटलाया जाता है और मुस्लिमों के खिलाफ नफरत पैदा की जाती है। जो बहुजन समाज के एससी एसटी माइनॉरिटी के लोग हैं, उनको लेकर काफी नफरतें भरी जाती है, जो काफी गलत है। इससे हमने यह सबक सीखा कि यदि तुम करो तो रासलीला और यदि दूसरा करे तो करैक्टर ढीला। यह कब तक चलता रहेगा इसका कोई अनुमान नहीं, लेकिन हम यह कह देना चाहते हैं कि मनुष्य मनुष्य होता है, वह चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। यदि वह प्यार करता है किसी लड़की से, उसको गलत नहीं कहा जा सकता। यदि कोई गलत कहने वाले होते हैं तो उनको पूनम पांडे की मिसाल देनी बहुत जरूरी है। पूनम पांडे जो ब्राह्मण समाज से है और यदि कोई हिंदू धर्म के नाम पर वह मुस्लिम धर्म के नाम पर लव जिहाद की बात करता है तो उनके कान पर बहुत जोरदार तमाचा है। इसलिए हम कहते हैं कि बहुजन समाज काफी जागरूक हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, बहुजन हलचल। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज़।